तामिया में महाविद्यालय अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के जिले में 30 साल पहले कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए 1993 में इसे लोकार्पित किया था। आज वही शासकीय महाविद्यालय बदहाली के दौर से गुजर रहा है। जगह जगह से दरारों वाला ये भवन कभी भी ढह सकता है। आदिवासी बहुल तामिया के लगभग 1,30,000 की आबादी वाले आदिवासी अंचल के अनेकों ग्रामीण विद्यार्थी अध्ययन करने शासकीय महाविद्यालय तामिया आते हैं। तामिया कॉलेज के भवन की हालत खस्ता हो चुकी है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ समझ नहीं आता। छात्र छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय की बिल्डिंग पुरानी हो जाने से ढहने के कगार पर है। बारिश के कारण छत से पानी टपक रहा है, जिससे बच्चों को क्लासरूम में बैठने में समस्या हो रही है। क्लासों में ब्लैक बोर्ड भी खराब हो गए हैं। बीते 2 साल पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार रहते हुए विश्व बैंक द्वारा 7,57,00,000 रुपए तामिया कॉलेज के न्यू भवन के लिए दिए थे, लेकिन अचानक कांग्रेस सरकार गिर गई और भाजपा जी सरकार बन गई। तब से आज तक उन पैसों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। आखिरकार आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी छात्र छात्राओं की समस्याओं निराकरण कब होगा कहना मुश्किल है। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। हमारी समस्या यह है कि यहाँ पे कॉलेज में पूरा पानी गिर रहा है और हमको पढ़ाई भी नहीं हो पा रही अच्छे से। कभी ये वाली क्लास में बिठाते हैं, कभी वो वाली क्लास में बिठाते हैं, पूरा में पानी भर जाता है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, तो इससे हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द ये कॉलेज बनाया जाए। आपका नाम क्या है? सना फातिमा खान। हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? यहाँ पर पानी टपकता है बरसात के टाइम पे, जो हमको बैठने में परेशानी होती है, पढ़ने लिखने में परेशानी होती है। हमको दूसरे रूम पे जाके बैठना पड़ता है, दूसरे रूम पे बरसात के कारण गीला हो जाता है। तो कॉलेज के सर वगैरह आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते बैठने की? जब पानी टपकता है तो सर बोलते हैं दूसरे रूम में जाके बैठो, तो वहाँ भी पानी टपकता है, तो हम बैठेंगे कहाँ? क्या नाम है आपका? प्रभुपर देवी। कौन सी क्लास? कौन से? बीए फर्स्ट ईयर। जैसा कि देखा जा रहा है अभी तामिया कॉलेज में बारिश के दिनों में तामिया कॉलेज का भवन जर्जर हो गया है। भाजपा सरकार अभी केंद्र में और राज्य में बैठी है, तो आदिवासी बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं जी, आदिवासी बच्चों के लिए सरकार तो बहुत काम कर रही है, ये किसी से छुपा भी नहीं है। पर पहले जब भाजपा की सरकार थी तब कॉलेज की कंडीशन ऐसी नहीं थी। कॉलेज में सब चीज़ व्यवस्थित चल रही थी, वहाँ पर ये रिसाव वगैरह की परेशानी या कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी। उसके बाद फिर 15 महीनों के लिए कांग्रेस सरकार आई, तब कॉलेज के लिए 7.5 करोड़ रुपये भी आया कांग्रेस गवर्नमेंट में, मगर वो पैसा कहाँ यूज हुआ, कहाँ गया, इस चीज़ की किसी को जानकारी नहीं। कहते हैं कि नए भवन के लिए 7.5 करोड़ रुपये कांग्रेस सरकार माननीय अपने कमलनाथ जी द्वारा दिया गया था, मगर वो पैसे की कोई जानकारी नहीं। फिर विगत 15 महीनों बाद भाजपा की सरकार आई, तो अब उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उस चीज़ की जानकारी मांग रहे हैं, तो कॉलेज प्रशासन को उसकी कोई जानकारी नहीं है। कभी बोलते हैं कि PWD वालों से बात करो, कभी बोलते हैं PIU बताएगा। अभी हमने प्रस्ताव दिया है, अभी हमने उनने सर्वे करवाया है, इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ये पैसे किधर गया, किसने यूज किया, इसकी कोई जानकारी नहीं। अगर पैसा यूज़ नहीं हुआ है तो वो पैसा दिखना चाहिए कहाँ है, और अगर यूज़ हुआ है तो बिल्डिंग दिखनी चाहिए, तो इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। अब देखते हैं भाजपा गवर्नमेंट में हम इसका पता लगाएंगे और इसका कॉलेज का जो भी निर्माण कार्य है वो करवाएंगे। अभी वर्तमान में जैसे बच्चों को बारिश के दिनों में दिक्कत जा रही है, तो आप क्या करेंगे बच्चों के ये समस्या? मुझे अभी पता चला है कि बहुत परेशानी हो रही है कॉलेज में, तो इसका निरीक्षण करके जो भी हो सकेगा भाजपा सरकार द्वारा वो मदद प्रयास कॉलेज के लिए कराई जाएगी। जी, आपका नाम बताइए। वतन उपाध्याय, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, भाजपा। जैसा कि अभी वर्तमान में देखा जा रहा है तामिया कॉलेज में तामिया कॉलेज का भवन जर्जर हो चुका है और बरसात के दिनों में बच्चों को बैठने में बहुत दिक्कत जा रही है, तो आपने भी तामिया कॉलेज में पढ़ा है, तो आपने बच्चों के लिए क्या किया बताइए? ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने तामिया कॉलेज के लिए कुछ नहीं किया है। तामिया कॉलेज माननीय कमलनाथ जी की देन, कमलनाथ जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था तामिया कॉलेज का। उसके बाद भी कमलनाथ जी द्वारा सांसद रहते हुए बहुत कार्य किए गए, पेयजल व्यवस्था बनाई गई और भी स्टेशनरी टेबल कुर्सियों की व्यवस्था सांसद महोदय द्वारा माननीय कमलनाथ जी द्वारा बनाई गई। विगत कुछ वर्षों पहले जब कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब कमलनाथ जी द्वारा 7,55,56,00,000 रुपये सेंक्शन करवाए गए कॉलेज की बिल्डिंग के लिए। तो जब सेंक्शन करवाए गए, फिर 15 महीने बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद ये जानकारी नहीं मालूम चली कि ये राशि गई कहाँ। तो जैसे अभी बच्चों को दिक्कत जा रही है बरसात के दिनों में, तो आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है? शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि आदिवासी अंचल है, आदिवासी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, खेल कूद की व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो को सब व्यवस्थाएँ करनी चाहिए,
जिसमें समुचित आदिवासी परिवार, आदिवासी बच्चे, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। जी आपका नाम बताइए। लोकेश डेहरिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष। सर ये तामिया कॉलेज की जो जर्जर स्थिति हो गई है, बच्चों को पढ़ने लिखने में परेशानी हो रही है, उसके लिए शासन तरफ से सर कोई सुविधा नहीं आई है अभी तक बच्चों के लिए? महाविद्यालय का भवन 3 दशक पुराना है, इसको 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, और चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ थोड़ी समस्या भूमि को लेकर है। भवन में छत में से रिसाव होना बड़ी समस्या बन गई है। इसके लिए PWD से बात की है, उनसे प्रस्ताव लिया है और विभाग की तरफ भिजवाया है ताकि इसके छत का ठीक से मरम्मत हो जाए और अध्ययन अध्यापन का काम सुचारू रूप से हो। विभाग स्तर पर ये काम होना है और आशा है कि शीघ्र ही इस पर निर्णय होगा और ये बिल्डिंग ठीक हो जाएगी। सर जैसे कि अभी 2 साल पहले सर कांग्रेस की सरकार रहते हुए विश्व बैंक से सर कॉलेज के लिए 7,57,00,000 रुपए सैंक्शन हुए थे नई बिल्डिंग के लिए सर और रिपेयरिंग के लिए, सर वो कब तक बन के तैयार होगी सर, ऐसा कुछ जानकारी? उसके बारे में कॉलेज को सीधी जानकारी नहीं है, लेकिन बीच बीच में जो अधिकारी लोग आते हैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए PWD से, RES से, तो उनसे जो जानकारी मिलती है तो लगता है कि वो काम शुरू तो हुआ है लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। अभी यहाँ ज़मीनी स्तर पर सिर्फ सर्वे का ही काम चल रहा है। सर आपका नाम बताइए। डॉक्टर महेंद्रगिरी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज तामिया।